अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैंड रिनोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। होमोजेनियस कैटलिस्ट एंड हेटरोजेनियस कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। वैसे भी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू नो। सबसे पहले होमोजेनियस में होमो वर्ड जो होता है वो सेम चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, हेट्रो जो होता है जहाँ पर डिफरेंट हो चीज़ें प्रेजेंट। होमोजेनियस में क्या होगा, कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट दोनों एक फेस में प्रेजेंट होंगे। अब वो फेस सेम होना चाहिए, कंडीशन ही सेम होगा तो वो होमोजेनियस कैटलिस्ट में आ जाएगा। जैसे रिएक्टेंट गैशियस में है एंड कैटलिस्ट भी गैशियस फेस में है, सेम हो गए तो वो होमोजेनियस है। अगर रिएक्टेंट गैशियस में है, कैटलिस्ट जो है वो एक्वस में है, फेस डिफरेंट हो गए, तो इस तरीके के कैटलिस्ट जो रिएक्टेंट के साथ सेम फेस में नहीं रहते हैं उसको हेटरोजेनियस कैटलिस्ट कहते हैं। होमो में क्या है, कैटलिस्ट सेम रहेगा जब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो जाता। एंड हेटरोजेनियस में दो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, एक होता है मेन कैटलिस्ट, एक होता है को कैटलिस्ट। अब होमोजेनियस जो है उसका नेचर कैसा होता है, वो लेस टेम्परेचर रिक्वायर करता है, उसका प्रेशर भी कम होता है, सोल्यूबल होता है, जिसकी वजह से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड इसकी एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू द हेटरोजेनियस कैटलिस्ट ज़्यादा होती है। हेटरोजेनियस में टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर भी हाई होता है, बट एफिशिएंसी फिर लो हो जाती है। अब होमोजेनियस कैटलिस्ट की बेस्ट एग्जांपल है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट में होगा एक रोडियम, फॉस्फोरस एंड फॉस्फेन, ठीक है, इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट, जिसकी डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई है। ये क्या करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। तो ये होता है होमोजेनियस कैटलिस्ट। तो इसकी डिटेल वीडियो आप ज़रूर देखकर एग्जाम में जाएं, क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन विल्किंसन कैटलिस्ट। और हेटरोजेनियस कैटलिस्ट की बेस्ट एग्जांपल है जिग्लर नेटा कैटलिस्ट, ये भी सेपरेट पूछा जा सकता है एग्जाम में। जिग्लर नेटा कैटलिस्ट में क्या है, दो कैटलिस्ट हैं, एक है को कैटलिस्ट जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, एंड कैटलिस्ट मेन जो है वो है ट्रांजिशन मेटल जैसे टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, जो दोनों डिजॉल्व होकर हेटरोजेनियस सॉल्यूशन में एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जिसको हम जिग्लर नेटा कैटलिस्ट बोलते हैं, एंड ये हेटरोजेनियस कैटलिस्ट होता है।